अकेला पानी देवताओं की मदा हो, जिन्होंने हमारी फिर मदद की और हम एक मरतबा फिर आजमाइश के आग से खरा सोना बनकर निकले। माँ बदौलत अपने तमाम सिपाहियों की जाबाजी और शिजात की कदर करते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा माँ बदौलत उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की फतह और नुसरत में शरीक नहीं, मगर उनकी रूहें मौत के तारीख पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देख रही हैं और देख देख कर खुश हो रही हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी सिपाही जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। महाराजा पोलू, सिकंदर अपने बहादुर दुश्मन का इस्तकबाल करता है। क्यों महाराज, आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है जिसने आपको एक दिन में फतह कर लिया? हमें आपकी ताकत ने पता नहीं किया, आपके धोखे ने पता किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेस बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियाँ 1001 बार करके कायद हो जाए और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे या दुनिया के फाते के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है? अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कर आओ। तुमने गलती की। आलम पना, मैं मुआफी का खासदार। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए, फरमाइए आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। जुमनी, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज गुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपको सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, आपके मुल्क को आजाद किया और इतना ही नहीं, हैदरपुर के आसपास का जितना इलाका हमने फतह किया है वो भी आपके हवाले किया। फिलुकस, फौजें हटा लो। मगर क्या हम आपके मातहत होंगे? हिंदुस्तान में आप हमारे सबसे बड़े दोस्त होंगे और यूनान की तारीख में आपका नाम पोरस होगा। हम ये दूसरी मरतबा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गुरु दोस्ती के हाथ को मोहब्बत के हाथ से पकड़ता है। महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराज आमसिस, आपने हमारे दोस्त की जय का नारा नहीं लगाया। हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन रहें। आप भी कहिए महाराजा पोरस जिंदाबाद, महाराजा पोरस जिंदाबाद।